होती है वो कौन कौन सी है? फिर सबसे पहले जो होता है वो होता है लो आर्च, राउंड, स्टीप आर्च, स्ट्रेट और यस शेप। ये फाइव आईब्रोज के शेप होती हैं। और आईब्रोज को फिल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारा फेस होता है ना, हम मेकअप करते हैं, मेकअप तो हमने अच्छा कर लिया, लेकिन अगर हमने आईब्रोज को अच्छे से फिल नहीं किया है तो जो हमारा मेकअप का लुक होता है ना, वो सब बेकार हो जाता है। मेकअप में आप लोगों को क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप लोग करते हैं उसको आप लोगों को परफेक्ट तरीके से करना है। अगर आपका एक भी चीज़ इधर उधर होता है ना, तो आपका मेकअप पूरा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि आईब्रोज को हम लोग फिल किस तरीके से करते हैं और आईब्रोज की शेप कौन सी होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग लो आर्च की बात करें तो ये हो गया आपका नोज़, ये हमारा हो गया नोज़ का ब्रिज। और हमें जो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आईब्रो में कौन कौन सी होती है। आईब्रो में नोज में 3 पॉइंट होती है, फर्स्ट, मिडिल एंड थर्ड, और मिडिल एंड लोअर। ये 3 पॉइंट की थ्रेडिंग होती है। और ये 3 पॉइंट हम लोग किस तरीके से पहचानते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट का है, सेकेंड पॉइंट का है और थर्ड पॉइंट का है? तो आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा नोज का ये ब्रिज है, अगर आप देखेंगे तो आप अगर अपने जो मेकअप का ब्रश होता है उसको इस तरीके से रखेंगे ना, इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट मिलेगा, जो आपका थ्रेडिंग का ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर आपको सेकेंड पॉइंट कैसे देखना है, जो आपका ये नोज टिप है इस पे आप लोगों को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से हल्का सा, जो आपकी ये जैसे ये हो गई आपकी आईज और ये आपका आईबॉल। आपको अपने क्लाइंट को स्ट्रेट देखने के लिए बोलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने अगर आप मेकअप ब्रश को रखेंगे ना, तो जो ये आपका एरिया होता है, ये आपके नोज जो आपकी ये आईबॉल होती है इसके पास से जाता है, तो हमें यहाँ मिलता है हमारा मिडिल पॉइंट। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे तो कहाँ से, जो हमारा ये नोज का, जो हमारा नोज के पास होता है और हम इस तरीके से रखेंगे आई के नीचे से, तो हमें यहाँ हमें हमारा थर्ड पॉइंट मिलता है। ये होती है हमारा फर्स्ट, मिडिल और थर्ड। अब इसको हमें ड्रॉ कैसे करना है, जैसे कि ये हो गया, उसके बाद हमने यहाँ लिया नीचे, ये हो गया हमारा, उसके बाद आपको ये हो गई हमारी नीचे की आईब्रोज की शेप। उसके बाद हमें क्या करना है, हम अगर देखेंगे तो हमारे जो इधर के आईब्रोज होते हैं, आपको जब ऊपर की ड्रॉ आप लोग आईब्रो को फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइन छोड़ करके ड्रॉ करना होता है, इस तरीके से थोड़ा सा लाइन छोड़ करके अगर आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से आपको थ्रेडिंग को ड्रॉ करना है। आगे का हमने लाइन क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ की जो हमारी आईब्रोज होती है ना बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, अगर हम यहाँ से आईब्रोज को डार्क फिल कर देंगे तो हमारा मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ये आगे के पॉइंट को छोड़ के हल्का सा तब ड्रॉ करते हैं ऊपर की लाइन। आगे की जब हम आईब्रोज को फिल कैसे करते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा आईब्रो फिलर, तो हमें क्या करना है, जब हम ब्रश में लेते हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अपनी थ्रेडिंग को इस तरीके से आगे का पोर्शन हमें इस तरीके से फिल करना होता है, ठीक। आगे के पोर्शन जो हमारे आगे के बाल होते हैं उसको हम इस तरीके से फिल करते हैं। उसके बाद जो हमारी थ्रेडिंग होती है हम इसको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से फिल करते हैं, ये हो गया हमारा मिडिल पार्ट। उसके बाद जब नीचे के आईब्रोज को फिल करेंगे तो इस तरीके से आईब्रो को फिल करते हैं हम आगे जो है कि इस तरीके से, इसलिए फिल करते हैं ताकि आपका थ्रेडिंग जो है वो लुक दिखे, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से फिल करते हैं। ये हो गया हमारा लो आर्च। अब आर्च क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि जो हमारा पॉइंट है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकेंड पॉइंट और ये हो गया थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा अपर, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ये आगे का जो पोर्शन होता है वो, सेकेंड पॉइंट जो हमारा है हल्का सा ये होता है आर्च, जो उठा हुआ थ्रेडिंग होता है उसको हम लोग आर्च बोलते हैं, मतलब कि पॉइंट। लो इसमें आर्च में टू आर्च होता है, जैसे कि लो आर्च है और स्टीप आर्च। लो आर्च में क्या होता है, जो आपका ये लो आर्च होता है वो आपका पॉइंट कम होता है, इसलिए हम लोग इसे लो आर्च बोलते हैं। उसके बाद जो है कि अगर हम यही पॉइंट ज़्यादा रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्टीप आर्च। तो ये हो गया हमारा लो आर्च और इस तरीके से हम आईब्रो को फिल करते हैं। उसके बाद जो हमारा थ्रेडिंग है वो है राउंड। राउंड शेप की थ्रेडिंग किस तरीके से होती है, अगर आप देखेंगे तो राउंड शेप की थ्रेडिंग होती है इस तरीके से, यहाँ से ये हो गई आपकी राउंड शेप की थ्रेडिंग। अब इसको कैसे फिल करना है आपको, ये हो गया ऐसे, आगे आप लोग कभी भी फिल करेंगे तो इस तरीके से आगे के बाल को आपको खड़े रखने हैं, उसके बाद पीछे के बालों को आप इस तरीके से फिल कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा राउंड शेप। इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें आर्च नहीं होता है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक बराबर होता है राउंड में, इस तरीके से उठा हुआ। ये हो गया हमारा सेकेंड थ्रेडिंग का शेप जो कि राउंड है।
उसके बाद है हमारा स्टीप आर्च। स्टीप आर्च अगर आप देखेंगे, थ्रेडिंग ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप कॉपी में बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको 3 पॉइंट रखना है। ये हो गया हमारा जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हम नोज के लेंगे तो इस साइड, सेकेंड ये, थर्ड इस तरीके से। अब आपको इसे ड्रॉ कैसे करना है, ये बस जो आपको ये जो पॉइंट है हमारा, इसको इस तरीके से मिला देना। उसके बाद जो हम नीचे की लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा पॉइंट है बहुत ही अच्छे से उठ के आता है। जो हमारा ये स्टीप आर्च है, स्टीप आर्च में जो आपका पॉइंट होता है यहाँ से बहुत ही अच्छे से उठ के आता है। तो ये हो गया हमारा स्टीप आर्च की थ्रेडिंग, इसको हम इस तरीके से फिल करेंगे। आप भी जब भी थ्रेडिंग बनाएंगे, अगर आप पॉइंट रख के बनाएंगे तो आपका थ्रेडिंग बहुत ही अच्छा सेव जाता है। थ्रेडिंग किस तरीके से होती है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसमें पॉइंट नहीं होता और ये राउंड नहीं होता। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है और थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पॉइंट होता है वो इस तरीके से होता है। मतलब कि आप देखेंगे अगर इस तरीके से स्ट्रेट थ्रेडिंग इस तरीके से होता है थ्रेडिंग में। आगे से आप लोगों को इस तरीके से रखना है, उसके बाद पूरे थ्रेडिंग को इस तरीके से फिल कर देना है। ये हो गया हमारा 4 टाइप्स का थ्रेडिंग। और यस सेप थ्रेडिंग किस तरीके से होता है, यस सेप अगर आप देखेंगे ना तो ये इस तरीके से राउंड में, तो ये इस तरीके से होता है यहाँ पे यस सेप। जो हमारा ये लास्ट वाला पॉइंट होता है ना, ये इस तरीके से ऊपर के साइड होता है। मतलब कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से यस का शेप देता है, इसलिए हम लोग इसे यस शेप थ्रेडिंग बोलते हैं। तो ये सारे थ्रेड, ये 5 टाइप्स हो गई हमारी थ्रेडिंग की, ये हो गई हमारी थ्रेडिंग की 5 टाइप्स। ये आप लोग किसी का भी देखेंगे तो यही आप लोगों को 5 टाइप्स की थ्रेडिंग दिखती है। तो आप लोगों को अब ये जानना है कि जो मैंने फेस शेप आप लोगों को बताया था, कौन सा फेस शेप पे कौन सा शेप की थ्रेडिंग अच्छी लगती है, तो ये प्लीज़ आप लोग अपने अपने कॉपी में जहाँ पे भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हमेशा ये याद रहे कि इस तरीके की थ्रेडिंग होती है और ये हमारे शेप्स होते हैं थ्रेडिंग के, और ऐसे ही हम इसको फिल करते हैं। तो ये हो गया हमारा थ्रेडिंग का, थ्रेडिंग का टाइप, कौन सा टाइप की थ्रेडिंग होती है, और ये हो गया हमें थ्रेडिंग से फिल करते हैं। फेस शेप के अकॉर्डिंग हमें कौन सा आईब्रो शेप रखना चाहिए, सबसे पहले हमारा लो आर्च है। लो आर्च फेस शेप मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कौन कौन सी फेस शेप होती है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या जानना है, जो फेस शेप के मैंने था मोस्टली 7 टाइप्स के फेस शेप बताया था, ओवल बताया था, ऑबलोंग बताया था, डायमंड, हर्ट और स्क्वायर फेस शेप होते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को थ्रेडिंग कौन से रखने चाहिए वो देखना है। अगर आपका फेस शेप ओवल है, अगर आपका फेस ओवल शेप में है तो आपको क्या करना है, लो आर्च वाला थ्रेडिंग रखना है। लो आर्च वाला थ्रेडिंग मैंने आप लोगों को अभी बताया था। ओवल पे हम लोग ओवल फेस शेप पे लो आर्च क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारा फेस का जो शेप होता है ना वो इस तरीके से होता है। अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा फेस का शेप इस तरीके से होता है ओवल। ओवल में आप लोगों को लो आर्च रखना है, क्योंकि ओवल में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवल फेस शेप जिसका होता है वो फेस शेप परफेक्ट फेस शेप होता है, इसीलिए हम लोग ओवल शेप पे लो आर्च थ्रेडिंग रखते हैं, क्योंकि हमारा जो फेस शेप होता है परफेक्ट होता है। उसमें ना हम ज़्यादा कंटूरिंग करते हैं उसमें, क्योंकि हम ज़्यादा कंटूरिंग नहीं करते इसलिए हमें फेस को हाइट नहीं करना होता, कि हमारे एक्स्ट्रा जो फेस पार्ट होते हैं वो हाइट नहीं करना होता, इसलिए हम उसमें लो आर्च रखते हैं, ताकि आपका फेस का शेप जो है कि बहुत ही अच्छा दिखे। उसके बाद स्टीप आर्च है। स्टीप आर्च हम लोग किस फेस शेप पे रखेंगे, लोग रखते हैं राउंड फेस शेप पे, जिसका फेस शेप राउंड होता है ना उस पर हम लोग स्टीप आर्च रखते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा फेस का शेप है वो एकदम राउंड है, क्योंकि हमारा जो फेस का शेप है वो एकदम राउंड है ना, तो हमें क्या करना है, अगर हम स्टीप आर्च में रखेंगे तो हमारा जो ये वाला पॉइंट होता है बहुत ही अच्छे से इस तरीके से उठ के दिखता है। और उसके बाद हम लोग कंटूरिंग करते ही हैं, हमारा जो फेस का शेप होता है बहुत ही अच्छा दिखता है, क्योंकि जो हमारा यहाँ फेस होता है ना वो इधर से पूरा राउंड होता है ऊपर से, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस पर जब उठी हुई थ्रेडिंग रहती है तो बहुत ही अच्छा दिखती है। उसके बाद यस शेप थ्रेडिंग जो होती है वो आप लोगों की हार्ड फेस शेप पे अच्छी लगती है। हार्ड फेस शेप पे तो आपकी यस शेप जो थ्रेडिंग होती है हार्ड फेस शेप पे अच्छी लगती है। क्यों, क्योंकि जो कि आपका हार्ड फेस शेप जिसका होता है उसका जो ये चिक्स, उसका जो ये चिक्स पॉइंट होता है ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसका जो ये चिक्स पॉइंट होता है वो ज़्यादा ही
जो आपका चिक्स पॉइंट होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा ओवर के इधर जो है कि बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए अगर हम एस शेप रेडी रखते हैं इस तरीके से तो ये आपके फेस पे बहुत ही अच्छा लुक देता है। राउंड थ्रेडिंग हम लोग किस फेस पे रखते हैं? राउंड थ्रेडिंग अगर आप देखेंगे जो हमारा डायमंड फेस शेप होता है, जो हमारा डायमंड फेस शेप होता है उस पर हम लोग राउंड थ्रेडिंग रखते हैं। आप लोग यस शेप और राउंड शेप जो ये दोनों जो होता है इसको आप लोग हर्ट पे भी रख सकते हैं, डायमंड, ये दोनों यस शेप पे आप लोग डायमंड रख सकते हैं, राउंड पे हर्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि जो आपका ये वाला पोर्शन होता है आप डायमंड में भी देखेंगे तो इस तरीके का जिसका फेस शेप होता है इस तरीके से, उसका भी ये जो चिक्स वाला एरिया होता है ना, उसका जो यहाँ का एरिया होता है, जो आई के पास का एरिया होता है, वो बहुत ही ज्यादा उभरा हुआ, बहुत ही ज्यादा बाहर निकला होता है, इसलिए अगर हम लोग इस तरीके से राउंड थ्रेडिंग रखते हैं तो उनके फेस पे अच्छा दिखता है इस तरीके से। जो हमारा स्ट्रेट थ्रेडिंग होता है वो ऑबलोंग फेस पे अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि जो हमारा फेस जो है कि वो लॉन्ग होता है इस तरीके से, हमारा जो फेस शेप होता है वो लॉन्ग होता है इस तरीके से, तो आप लोग अगर स्ट्रेट थ्रेडिंग रखते हैं ना तो आपका जो ये पॉइंट होता है फेस का वो कम दिखेगा, जो आपका ये और लंबा फेस होता है वो अगर हम स्ट्रेट अगर हम इस तरीके से आर्च रखेंगे तो ये उठ के हमारा फेस और ज़्यादा दिखेगा, इसलिए हम इस पर स्ट्रेट थ्रेडिंग रखते हैं, स्ट्रेट इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट थ्रेडिंग रखते हैं ताकि जो आपका ये एरिया वो कवर करे और अच्छे से दिखे। तो ये चीज़ें हो गई हमारे थ्रेडिंग की शेप्स और हमारे फेस के शेप, कौन से फेस शेप पे कौन सा थ्रेडिंग अच्छा लगता है। अगर आप लोग इस तरीके से अगर आप उसका थ्रेडिंग फेस शेप के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा लुक देता है और थ्रेडिंग भी बहुत ही अच्छी से दिखती है। जैसे मैंने बोला कि ओवल जो फेस शेप होता है वो परफेक्ट फेस शेप होता है, हम लोग मेकअप में जो हमारे ये बाकी के फेस शेप होते हैं उसको कंटूर करके हम लोग ओवल फेस शेप में लाते हैं, इसीलिए हम लोग जो है कि ओवर फेस शेप पे लो आर्च रखते हैं। लो आर्च जो थ्रेडिंग होता है वो होता है परफेक्ट आईब्रो शेप। ये हो गया परफेक्ट आईब्रो शेप में हमारा लो आर्च होता है और परफेक्ट फेस शेप में हमारा ओवर फेस शेप होता है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी आईब्रोज और फेस शेप के बारे में, हमें कौन सा फेस पे कौन सा आईब्रो का शेप रखना है ये सारी चीज़ें। आई होप कि आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग कहीं पे भी नोट्स बना रहे हो तो आप लोग इसको लिख लीजिए, ये आपको हमेशा याद आएगा। और आपको इसी तरीके से आपके आईब्रोज को फिल करना है और फेस शेप के अकॉर्डिंग आप लोगों को आईब्रो को रखना है। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आई होंगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को वो सारी जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो।